कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं रामेंद्र सिंह। आज हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रयान दो की। चांद कभी हमारे लिए किस्से कहानियों में होता था, कभी रीझे सपनों में होता था। चांद हमारी सुंदरता की निशानी थी, हम उसको दूर से देखते थे। लेकिन वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम और जो राजनीतिक नेतृत्व देश में सत्ता में रहा है उसके अथक प्रयासों से हम आज चांद पर हैं। हमारी सफलताओं की कहानी चांद पर बहुत पहले से लिखी जा चुकी है। हमने सफर 1963 से चालू किया था, तब एक रॉकेट लॉन्च करने के लिए हम साइकिल पर ले गए थे। आज हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन है, हमारे पास वो सारी ताकत है कि हम चांद, मंगल और अंतरिक्ष में जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विज्ञान में कोई विफलता नहीं होती है, विज्ञान में हर समय सफलता होती है और हर सफलता से आगे विज्ञान के लोग बढ़ना चाहते हैं। इसलिए जो हमको जो भी सफलता आज हासिल हुई है वो भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए गौरव की बात है कि चांद के करीब हम पहुँचे हैं, हमने 99% सफलता अर्जित की है और आने वाले समय में इसका बड़ा प्रभाव मानव सभ्यता, मानव जीवन और भारत के लिए होगा, दुनिया के लिए होगा। हमारे साथ इसी चर्चा के लिए डॉक्टर बीआर सिंह जी हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर अनिरुद्ध उनियाल साहब हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं रिसोर्स सेंसिंग सेंटर लखनऊ से। और पीके सिंह जी भी हमारे साथ वरिष्ठ वैज्ञानिक है। विज्ञान, हालांकि विज्ञान ऐसी चीज़ है जिससे देश दुनिया उसी से चलती है, तकनीक से चलती है, विज्ञान से चलती है, लेकिन विज्ञान के साथ साथ हम सामाजिक पहलुओं को भी लेकर साथ चलने का प्रयास करेंगे कि हमको चांद जो रिझाता था हम वहाँ पहुँचे हैं, चांद से अब हमको क्या मिलेगा, क्या क्या चीज़ें चांद पर हैं, क्यों चांद को हम ज़्यादा जानना चाहते हैं, हमारे जीवन में चांद का महत्व क्या है, क्यों चांद के साथ हमारा अपना जुड़ाव लगता है, एक प्यार लगता है, एक रिश्ता सा बनता है कि चांद हमारे साथ है, हम चांद के साथ है। बीआर सिंह साहब, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने क्या एक नया इतिहास नहीं रचा है कि ये लगता था हम 1963 में जहाँ से शुरू हुए थे, सफर किए शुरू किए थे और आज हम आज कहाँ हैं? हाँ, मैं इसरो के वैज्ञानिकों और पूरे भारतवर्ष की जनता को बहुत बहुत उसके लिए बधाई देता हूँ कि हम उस अपने मिशन के करीब हैं और आज भी हम ये समझते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने पिछले 10 साल के अथक प्रयास से और ऐसी जगह को चुना जो विश्व के किसी भी देश ने ये प्रयास नहीं किया कि हम दक्षिणी ध्रुव पर अपना चंद्रयान ले जाएंगे जी। और उसका एक परिणाम जो कि अभी आपने अपने में बताया कि 2003 में हम साइकिल से स्टार्ट किए और 1963 से जी। और 2003 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने 15 अगस्त के लाल किले के प्राचीर से ये कहा कि हम चंद्रयान की आगे हम बढ़ाएंगे और जाके 2008 में हमने चंद्रयान की अक्टूबर से में सफलता ली और आज और यही पहला भारतवर्ष ऐसा विश्व का देश बना जिसने ये बताया कि वहाँ पर पानी है, माइक्रोब्स में उसकी अध्ययन किया गया और पानी की उपलब्धता संभावनाओं को और उस ये जोड़ा। और विशेष करके मैं अपने वैज्ञानिकों के बहुत ही दूरदृष्टि को मैं आगे बताना चाहता हूँ कि उन्होंने ये देखा कि अगर ध्रुव पर कोई चीज़ हम देखते हैं तो वहाँ ज़्यादा संभावनाएं हैं कि हमें हो सकता है ग्लेशियर मिले, पानी की संभावनाएं और चीज़ें हों जो दूसरे देश कठिनाइयों के कारण वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। और हमने पहले अभियान में भी दक्षिणी ध्रुव के आसपास ही अपना मिशन लिया और इस बार पूरे तौर से हम दक्षिणी ध्रुव पर ही पहुँचे हैं, फोकस किया और आज वहाँ हम ऑर्बिट 2.1 किलोमीटर की ऑर्बिट पर पहुंच चुके हैं और अब भी प्रयासरत हैं कि हमारी उसमें आने वाले समय में हमारे जीवन में और समाज के लिए क्या क्या उपयोगी चीजें हो सकती हैं, उनको क्या उसको खोजने के लिए तत्पर हैं। और हमारा ऑर्बिटर साल भर की लाइफ है और तमाम चित्र सूचनाएं देगा। उनियाल साहब, आप चूंकि खुद जुड़े हो उस पूरे संस्थान से जो वहाँ इसरो काम कर रहा है, उस सब सिस्टम से जुड़े हो, क्या भारत का अथक परिश्रम लगता है कि जहाँ पहुँचे हो आप, इसमें एक जो पूरी चेन है, जो अथक परिश्रम की पूरी कथा है वहाँ तक पहुँचने की, कैसे देखते हो आप?
हमारा केंद्र तो उत्तर प्रदेश के लिए प्राकृतिक संसाधनों के लिए काम करता है, आपदा प्रबंधन के लिए काम करता है, लेकिन ये जो अथक प्रयास है वो इसरो का है। और मैं समझता हूँ कि जो इसरो का ऑर्बिटर है वो अभी भी चंद्रमा की कक्षा में है और एक साल तक रहेगा और बराबर चित्र भेजता रहेगा। इसमें लगभग 8 उपकरण हैं ऐसे, जैसे टेरेन मैपिंग कैमरा 2 है, ऑर्बिटर हाई रिजोल्यूशन कैमरा है, IARS सेंसर है, सोलर एक्सरे मॉनिटर है, ड्यूअल फ्रिक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर रडार है, रेडियो साइंस एक्सपेरिमेंट है और चांस है। सो लगभग 8 ऐसे उपकरण हैं कि जो बराबर चंद्रमा की सतह के बारे में, उसके मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन के बारे में, उसकी टोपोग्राफी के बारे में, उसके एटमॉस्फेयर के बारे में, उसके एग्जोस्फेयर के बारे में, आयनोस्फेयर के बारे में बराबर हमको जानकारी देते रहेंगे। और ये बहुत बहुमूल्य जानकारी होगी क्योंकि कई सेंसर ऐसे हैं जो बहुत हाई रेजोल्यूशन पे ये जानकारी देंगे और उच्च विभेदन पे ये जानकारी देंगे। बिल्कुल, उनियाल साहब बता रहे हैं कि जो हमारा ऑर्बिटर है वो लगातार एक साल तक काम करता रहेगा और तमाम सूचनाएं, तमाम जानकारियां जो मानव जीवन के लिए, मानव सभ्यता के लिए, देश और दुनिया के लिए जरूरी है वो हमको भेजता रहेगा। शुरू से ही हमने पीके सिंह साहब शुरुआत की कि हमारी रुचि चांद में थी, चांद को हमने सुंदरता में खोजा, चांद को हमने तमाम रिझे हुए सपनों में खोजा, अब हम चांद के करीब हैं। सृष्टि के कौन से रहस्य हैं जो चांद में छिपे हैं जो हमको मिल सकते हैं? नमस्कार, सबसे पहले तो मैं वैज्ञानिकों के प्रयत्न का नमन करूंगा कि उन्होंने जो भी काम किया वो समझ लीजिए उसके अतुल्य है, वो उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। परिणाम क्या है क्या नहीं है वो तो आने वाले समय में निर्धारित होगा। रही बात कि चांद का कौन सा ऐसा पहलू है जो हम लोग जानना चाहते थे और रह गया, जैसा कि आपको मालूम है कि 2003 में शुरू हुई यात्रा, 2003 में उसको स्वीकृति मिली थी और 2008 से लेकर 2009 तक जो चंद्रयान 1 था उसने अपना काम किया और ऑर्बिट में गया, चक्कर लगाया, वहाँ से उसने अपने इन्फॉर्मेशन भेजी। चंद्रयान 2 में भी हम लोग वहाँ तक गए और ऑर्बिट में गए, अपने आप को ऑर्बिटर हमारा आज भी, जैसा कि पैनलिस्ट लोगों ने बताया कि ऑर्बिटर हमारा आज भी रिवॉल्व कर रहा है प्रॉपरली। अब देखिए, अगर इसको खाली हम ये देखें कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में ध्यान से देखा जाए तो जो पोजीशन थी ऑलमोस्ट हमारे पास वही थी। हमारी अगली उपलब्धि जो होने जा रही थी वो ये कि जो हमारे पास लैंडर और रोवर्स हैं ये जाते और ये प्रॉपरली हमारे पास काम करते। लेकिन चंद्रयान जो हमारे पास ऑर्बिटर है ये पूरा ही राउंड कर रहा है, पिछली बार की तुलना में और इस बार की तुलना में बहुत अंतर है। अगर हम पिछली बार भी सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे रहते थे और आज 10 साल भी थर्ड फ्लोर पे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने जो है उन्नत नहीं की, बहुत उन्नत की। हमारे दरवाजे पे जो डोरबेल लगी हुई है अब उस पर सेंसर लगा हुआ है, हमारे पहले टेलीफोन हुआ करते थे अब मोबाइल हो गए हैं। तो जो जैसा कि अभी उनियाल साहब ने बताया कि जो 8 पेलोड्स ये ऑर्बिटर्स में लगे हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा उन्नत तकनीक के हैं, वो बहुत ही ज़्यादा उन्नत तकनीक के हैं और उनकी जो क्षमता है वो हम लोग की सोच से भी बहुत परे है। तो निसंदेह पिछले बार से इस बार में हम लोगों ने काफ़ी छलांग लगाई है। और अब रही बात कुछ ऐसे रहस्य जो पिछली बार रह गए थे उनको जानने की कोशिश है, और ये अभी जो दुर्भाग्यवश थोड़ा सा उससे संपर्क हमारा टूट गया है, आगे आने वाले समय में देखते हैं क्या उसका संपर्क मिलता है या नहीं मिलता है। संपर्क मिलेगा तो बहुत से रहस्य से पर्जा खुलेगा, नहीं भी अगर संपर्क मिलेगा तो भी ऑर्बिटर में हमारे पास जो पेलोड्स हैं जो खासकर उसमें कैमराज लगे हुए हैं वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि काफ़ी हद तक हमको हमारे ज्ञान विज्ञान में वो वृद्धि करेंगे। बिल्कुल, ये दक्षिणी ध्रुव ही, वीआर सिंह साहब, ये दक्षिणी ध्रुव ही हमने क्यों चुना? दुनिया के कोई देश नहीं चुन रहे थे लेकिन हमको लगा कि हम कर सकते हैं और वहाँ कुछ ज़्यादा मिलने की संभावना है, ये दक्षिणी ध्रुव चुना क्यों गया? और देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं कि ध्रुवीय स्थिति जो होती है, चाहे आप पृथ्वी को ही ले लीजिए, ध्रुवीय स्थिति पर आप रिवाल्व जो होती है कोई भी गति उसके एक्सिस पर रहती है तो वो सबसे ज़्यादा, अब यह भी देखें कि 14 दिन ही लाइट वहाँ रहती है, बाकी ये 16 दिन अंधेरा रहता है। तो अगर ये स्थिति है तो वहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी होगी जो अपने में अलग, हाँ अलग उसका शोध किया जा सकता। आज हम पृथ्वी की ही देखते हैं तो आज अगर पोलर आइस मेल्ट कर रहे हैं तमाम चीज़ें उसमें से नई नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तमाम उसके तो दुष्परिणाम जो हैं वो सामने दिखने लगे हैं। तो ये एक हमें रहस्यमय चीज़ों को देखने की उत्सुकता और आगे चल करके इसमें संभावनाएं ये देखने की बहुत ज़रूरत थी। आज ये
हमारे लिए तो जहाँ तो एक पृथ्वी का एक अंग है, कभी वो टूटा पृथ्वी से, और वो इसीलिए चंदा मामा जो कहा जाता है ये भी इसलिए कि हमारा पार्ट है, और वहाँ से ये अलग हुआ है और हमारे सबसे नज़दीक का है। अब ये 384,000 किलोमीटर दूरी पर है और इससे सारी चीज़ें हम नज़दीक से नज़दीक हमारे ये देख लीजिए हमारे यहाँ के क्लाइमेटिक से लेकर के आप समुद्री स्थिति पे देखें कि हमारी लहरें जो 24 घंटे में एक बार ज्वार भाटा आता है ये केवल चंद्रमा की वजह से आता है। तो हमें कहीं ना कहीं इसमें हमारी गुड़ है, कनेक्शन है, गुड़ कनेक्शन है, उसको हमें जोड़ने की उत्सुकता है। और भारतीयता में तो हमेशा भारत में ये रहा है कि कठिन से कठिन चीज़ों को आगे उकेरने और उसको समाज के प्रति जोड़ने और समाज में क्या उसके लिए फायदे होंगे उसके प्रयासरत हमारे वैज्ञानिक ने किया है और इस पे सफलता हमारे हाथ में सब पूरी चली गई। वैसे भी भारत का जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो दुनिया के मानव सभ्यता के लिए काम करता है। हमको लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें दुनिया के लोगों के क्या हित निहित होंगे, कैसे उनको हम बेहतर दे पाएंगे, क्या उनके जीवन में हम जो दिक्कतें हैं उनको कैसे सलूशन देंगे, कैसे समाधान देंगे, इस पर ही भारत का फोकस रहा। उनियाल साहब, आपके वैज्ञानिकों ने कहा कि वो 15 मिनट बहुत कठिन होते हैं। कितना प्रेशर होता है उस समय वैज्ञानिकों के दिमाग में जब ये होता है कि हम इस चीज़ को फाइनल टच दे रहे हैं? एक्चुअली सॉफ्ट लैंडिंग की जो तकनीक है अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तकनीक है और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर्स उस समय इन्वॉल्व होते हैं जी। इस वजह से उसको बहुत क्रूशियल माना गया है, उन क्षणों को बहुत क्रिटिकल माना गया है। नहीं, ये जो स्थितियां दिख रही थी, अच्छा जो आर्बिटर हमारे पास है, हमें चंद्रमा की सतह के बारे में क्या क्या जानकारियां देगा जो हमारे पास अभी सारी चीजें हैं? ऑर्बिटर में जैसे हमारा टेरेन मैपिंग 2 कैमरा लगा है, जो चंद्रयान 1 का टेरेन मैपिंग कैमरा था उसका ये मिनिएचराइज्ड सूक्ष्म स्वरूप है जी। और टेरेन मैपिंग 2 कैमरे से बहुत उच्च विभेदन पे हाई रेजोल्यूशन लगभग 5 मीटर × 5 मीटर तक के जो सेगमेंट है चंद्रमा का उसका भी हम मानचित्रण कर पाएंगे। तो पूरे चंद्रमा की सतह की जो ग्लोबल स्केल पे है स्थलाकृतिक मानचित्रण या टोपोग्राफिक मैपिंग इससे हो पाएगी, इसके जो चित्र हमारे पास आएंगे श्वेत श्याम चित्र। उसके अलावा ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी लगा है चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में, जिसकी मदद से कि त्रिविमीय जो मॉडल्स हैं चंद्रमा की सतह के विभिन्न हिस्सों के वो बनाए जाएंगे, जिनको डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स कहते हैं। सो उससे भी क्रैटर्स को समझने में और जो उस पर हिल्स हैं उनको समझने में और बेसिन्स जो बहुत बड़े बड़े हैं उनको समझने में हमें मदद मिलेगी। सो ये सतह के बारे में ये 2 सेंसर्स हैं जिनसे कि काफ़ी सूचना मिलेगी। उसके अलावा हमारे पास ड्यूअल फ्रिक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर रडार भी है जिससे ध्रुवीय इलाकों के बारे में भी काफ़ी जानकारी मिलेगी, वाटर और आइस के बारे में। IIRS सेंसर है जिससे कि पूरे ग्लोबल स्केल पे मिनरोलॉजिकल मैपिंग करने किया जाना है और उस 256 स्पेक्ट्रल बैंड्स जो है उसमें ये मैपिंग की जाएगी। सो इस तरह के अनेक सेंसर ऑर्बिटर में हैं 8 के करीब जिनसे कि सतह की जानकारी हमको मिलेगी। अभी बहुत ढेर सारी जानकारियां हमको हो सकता है कल से आज से मिलने हो लगी हो या कुछ मिलने लगेगी। तो चंद्रमा के बारे में जो हमारी जानने की रुचि है, तो हमको लगता है कि हम चंद्रमा के बारे में बेहतर जाने सबसे नज़दीक का ग्रह है। और अभी हमारे बीआर सिंह साहब ने बताया कि धरती का एक हिस्सा है इसलिए हम चंद्रमा मामा उसको कहते हैं। क्या इस अभियान से पीके सिंह साहब चंद्रमा के बारे में हमारी समझ और बढ़ेगी और बेहतर होगी, जानकारी बढ़ेगी कि चंद्रमा में क्या हम और आगे कर सकते हैं, अगला कदम हमारा क्या होगा, ये तय करेगा ये अभियान? निसंदेह ये तय करेगा। कि देखिए फिर बात घूम फिर के हमारे पास उसी पे आ जाती है कि हमारा जो ऑर्बिटर चक्कर लगा रहा है और वो सक्सेसफुली रिवॉल्व कर रहा है उसमें कहीं कोई संदेह की जो है वो कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। और उसके जो पेलोड्स हैं वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि हमारी तमाम जो जिज्ञासाएँ हैं उसको लेके, जैसे भी उनियाल साहब ने बताया कि हमारे पास टेरेन कैमरा लगा हुआ है तो ये केवल ना केवल इसकी मैपिंग करेगा सरफेस की बल्कि उसके साथ साथ हमें वो जानकारी देने में भी हमको सक्षम रहेगा कि कैसे जो ये मून है इवॉल्व हुआ होगा, चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई रही होगी, उस समय क्या परिस्थितियां रही होंगी, किन परिस्थितियों के चलते इनका जो है वो रखा हुआ है। अच्छा खाली केवल यही नहीं हुआ, इसके साथ साथ फिर होता क्या है कि इसके और जो पेलोड्स में हमारे पास क्या है कि इसमें जो है एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर्स लगे हुए हैं
और उनका काफ़ी उनका लार्ज एरिया है और वो सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर्स होते हैं, तो वो हमारे पास वो उन तमाम खनिजों के बारे में भी जानकारी देंगे जिनका अभी हमें एक पूर्वानुमान है, लेकिन वो किस मात्रा में है, किस स्वरूप में है। जैसे हमारे पास ये कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब चीज़ें जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी हुई हैं, इसकी हमें इनकी जानकारी मिलेगी। तो अभी जैसे कि हम लोग जैसे शुरू से बात कर रहे हैं और कल रात में सब लोगों ने बैठ के देखा, दुआएं करते रहे, तो हमारा ये जो प्रोसेस रहा, हमारी जो पूरी प्रक्रिया रही, जो आपने अपनी ओपनिंग लाइन में भी कहा कि 99% तक हम सफल रहे, ये बात बिल्कुल सही है। बात केवल हमारा आपका भारत के नागरिक होने के नाते ऐसी केवल भावना मात्र नहीं है, इसको हमारे जो है कुछ नामी लोगों ने, बाहर से लोगों ने उसको जो है इंडोर्स भी किया। अभी इसमें आपका एक नाम लेना चाहेंगे, एक हमारे गेल्स जी करके हैं, वो नासा में जो नासा की स्पेस फ्लाइट है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जी। उनका लगभग 2:07 उन्होंने अपना एक बयान दिया है ट्विटर के थ्रू, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने जो काम किया है ये 95% वो टोटली फ्लॉलेस गया है बिना किसी गलती के, और जो उनका ऑर्बिटर टहल रहा है वो समझिए कि उसने 95% काम कर दिया है। आगे वाले काम के बारे में अभी हमको किसी भी निर्णय से पहुंचने से पहले कुछ इंतजार करना पड़ेगा, ये जो कहना है ये नासा के एक वैज्ञानिक का है। इसी तरीके से एक एमली लकड़वाला है, वो एक सोसाइटी करके है, प्लेनेटरी सोसाइटी, उसके मैनेजिंग एडिटर हैं, उन्होंने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो प्रयास इतना है जो देखा जा रहा है कि हम लोग जो रात भर तो इसको देख रहे हैं, इसके पहले ही ये जो हिंदुस्तान काफ़ी काम कर चुका है। हाँ, अभी रात में जितनी हम लोगों ने उम्मीद की थी, अगर वो उम्मीद जो रात बीती वही पूरी हो गई होती तो इससे देश का जो फायदा होता, हमारे जो जानकारी बढ़ती तो बढ़ती ही, लेकिन इससे मानव जात का बड़ा फायदा होता, क्योंकि अभी जैसा आपको मालूम है कि और भी देश जो है वो लाइन में लगे हुए हैं, अमेरिका भी अपना भेजने जा रहा है, तो अभी इससे जो निष्कर्ष निकलता या अभी जो निष्कर्ष निकलेगा ये बाकी आने वाले समय के लिए वो एक तरीके से इनपुट का काम करेगा कि इन्होंने क्या किया, कैसे पहुँचे और क्या ऐसी चीज़ हम अवॉइड करें या क्या ऐसी चीज़ हम जोड़ दें जिससे हमारे पास ये आगे का काम बन जाए। बिल्कुल भैया साहब, चंद्रयान 1 की बात आपने शुरुआत की, हमने बताया कि पानी है वहाँ जी, और अब चंद्रयान 2, दोनों में क्या अंतर देख पा रहे हैं? चंद्रयान 1 से लेकर के जो 2 तक का सफर है चांद का जी, उसमें कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अगर हम चंद्रयान 1 की बात करें तो हमारा एक पहला प्रयास था, और पहला प्रयास ये था कि हम कोई ये पता करने नहीं गए थे, केवल पानी देखने गए थे, लेकिन ये जरूर हमारे वैज्ञानिकों के दिमाग में था कि अगर हम पोलर पर जाएं, जैसे पृथ्वी पर देख ले, दक्षिणी ध्रुव पर कभी पूरा वहाँ आबादी रहती था, हरा भरा था, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ उसका झुकाव जो था, अभी 23.4 डिग्री हुआ है, ये तो हजारों साल से चीज़ें बदलती रहती हैं, तो ये वे दिमाग में ये है कि कोई ना कोई चीज़ वहाँ पर है। तो अब जब उनको ये एक्सीडेंटल कह लीजिए कि ये बात आ गई कि ये प्रयास उसके लिए नहीं, खोज के लिए गए थे, एक्सीडेंटल उसमें पता लगा कि तो पानी के माइक्रो ड्रॉप्स यहाँ हैं और ये इससे पानी का होना होना आवश्यक है। तो चंद्रयान 2 को स्पेसिफिक रूप से खनिजों और इसके पानी की उपलब्धता या उसके अंदर में कुछ कोई ऐसी संभावना है कि क्या इसी तरीके से जैसे हमारे ध्रुवी उस पर हैं, कहीं ग्लेशियर की उपलब्धता है कि नहीं, ये सब चीज़ों का पता लगाने के लिए विशेष रूप से गए। आप पुराने उसमें आइए, आप देखिए चंद्रमा पर कहीं न कहीं कोई दाग दिखता है, कभी कुछ दिखता है हमारे यहाँ, हाँ, लेकिन उसका सबसे महत्वपूर्ण तरीका जो हमें भारतवर्ष में या हमारे कवियों सबको मिला है कि उसके प्रकाश जो सूर्य से रिफ्लेक्ट होकर के हमें जो उससे लाभ होता हमारे जीवन में, स्वास्थ्य के प्रति जितना होता है, कई चीज़ें ऐसी आती हैं उसके रिफ्लेक्टिव जो किरणें आती हैं, और उसका कारण मुख्य है कि हमारे जैसे न्याल साहब ने बताया वहाँ क्रेटर हैं, बड़े बड़े हैं, आप देखिए वो तो ऐसे क्रेटर्स हैं, आप उनकी संख्या अगर देखे आ जाए किलोमीटर का फैलाव ही 2500 किलोमीटर के आसपास तो पूरा उनका ये गड्ढों की संख्या जो है करीब करीब 5185 है, और गहराई भी देखिए तो कहीं कई कोई कोई तो किलोमीटर 20 किलोमीटर तक के, इतने बड़े बड़े हैं। तो वो जो चीज़ें हैं उनका
जो रिफ्लेक्शन और उसका रिफ्लेक्शन आता है वो भी हमारे लिए स्वास्थ्य के और पूरे समाज जो समाज को जोड़ा जा रहा है तो चंद्रमा चूंकि सबसे नजदीक का है और इन सब के वजह से हमारे स्वास्थ्य के प्रति हमारे और जीवन के आगे की गति के प्रति तमाम चीज़ों इससे चंद्रमा से जुड़ी हुई हैं। तो ये अभियान जो चंद्र अभियान है ये सबसे बड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए इसको लगातार हमारे वैज्ञानिक इसके पीछे लगे हुए हैं और उसमें सफलता हमारे हमारे हाथ में है। उनियान साहब आपका जो ऑर्बिटर है उसकी संभावनाएं केवल भारतवर्ष पे नहीं टिकी है। नासा जो अगले अमेरिका जो अगला यान भेज रहा है उसको लगता है कि जो सूचनाएं आएंगी उस सूचनाओं के लिए हमको परेशान नहीं होना, हम उससे आगे बढ़ के काम करेंगे। तो ये एक साझा प्रयास है, भले ही भारत ने छोड़ा हो लेकिन दुनिया के लिए साझा प्रयास है कि भारत ने छोड़ा तो हम उसके आगे बढ़ के काम करेंगे। तो जो सूचनाएं आएंगी उससे अमेरिका के जो अगला कदम है उसको फायदा होगा। चंद्रमा के बारे में जो चंद्रयान 2 मिशन है उससे एक ऐसा प्रयास है कि चंद्रमा के एटमॉस्फेयर के बारे में, उसके आयनोस्फीयर के बारे में, उसकी सतह के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके और दूसरा वहाँ पे वाटर आइस होने की संभावना है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सके। तो जैसे मैंने बताया था कि टेरेन मैपिंग कैमरा और ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरे से तो सतह के बारे में बहुत जानकारी मिलेगी हमको, क्रेटर्स के बारे में, हिल्स के बारे में, जो प्लेन्स हैं उसके बारे में। इसके अलावा चंद्रमा पे क्या क्या तत्व मौजूद हो सकते हैं इसके लिए क्लास नाम का एक सेंसर भी लगा है ऑर्बिटर में, जिसको चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर कहा गया है और ये एक्सरे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रा की मदद से जो है ये पता लगाएगा कि चंद्रमा की सतह पे कहाँ पे एल्यूमिनियम है, कहाँ पे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, तो किन हिस्सों में कौन से तत्व हैं, क्योंकि जनरली जो हाईलैंड्स हैं उसमें कैल्शियम और एल्यूमिनियम ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा हैं उनके सिलिकेट्स, और जो बेसिन्स हैं उन पर आयरन और मैग्नीशियम बियरिंग रॉक्स हैं जो बेसल्टिक रॉक्स हैं। सो एक तो इसका तत्वों का पता क्लास सेंसर से लगेगा। दूसरा जो ड्यूअल फ्रिक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार है इसमें, जिसमें एस बैंड और एल बैंड है, एल बैंड में पेनिट्रेशन भी है थोड़ा कुछ मीटर तक, 5 मीटर तक ग्राउंड का, सो उसकी मदद से जो पोलर रीजन्स हैं चंद्रमा के उन पे वाटर आइस होने की संभावना का पता लगेगा और उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी, क्योंकि जो पोलर ध्रुवीय क्षेत्र हैं चंद्रमा के, वो ध्रुवीय क्षेत्र खासकर दक्षिणी ध्रुव का ऐसा है जो परमानेंटली शेडोड है, जिसमें हमेशा छाया रहती है, सूरज की रोशनी बहुत कम कभी या कभी नहीं पड़ती है, तो इन पे यहाँ पे जल के होने की संभावना है, तो इसका भी पता चलेगा। तीसरी चीज़ ये है कि जो इसमें चांद सेंसर लगा है, चंद्रयान 2 एटमोस्फेरिक एक्सप्लोरेशन एनालाइजर है और एटमोस्फेरिक कंपोजिशनल को एक्सप्लोर करेगा ये, और दूसरा एक रेडियो साइंस एक्सपेरिमेंट लगा है। इन दोनों की मदद से एटमॉस्फेयर और आयनोस्फेयर जो है उसकी भी स्टडी चंद्रमा की जाएगी कि वहाँ पे कुछ लो एनर्जी पार्टिकल्स जो मिल सकते हैं और जो प्लाज्मा है उसके चारों तरफ एक उसको हम उसका पता लगा सकते हैं, जो कि बेसिकली लो एनर्जी पार्टिकल्स हैं, क्योंकि सोलर विंड्स डायरेक्ट चंद्रमा को हिट करती हैं, उस पर कोई मैग्नेटोस्फीयर ना होने की वजह से, स्कैंट एटमॉस्फेयर होने की वजह से। तो चंद्रयान 2 की जो सूचना है चंद्रमा की सतह के बारे में, उसकी रेगोलिथ के बारे में, उसके एटमॉस्फेयर के बारे में, वो भविष्य के जो चाहे भारत के मिशन है और देशों के मिशन है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण इनपुट होंगे। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि भारत के लिए केवल ये मिशन फायदेमंद होगा, दुनिया की जो तमाम देश इस पर काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होगा, बहुत सुविधाजनक होगा, क्योंकि वो अगला कदम रखेंगे। जहाँ तक चल आए हैं उससे आगे उनको जाना है, एक रास्ता तय हो जाता है। एक अनजाना सफर, विज्ञान जहाँ भी काम करता है एक अनजाना सफर होता है, संभावनाएं होती हैं, कुछ आगे दिखता नहीं, उन्हीं संभावनाओं पर केवल काम करना होता है। ऐसे में जिस तरीके से हम चंद्रयान को लेकर के 2 को पहुँचे, ये एक सफर से एक संभावना, उसमें हमारी अपेक्षित जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है कि हमने जितनी उम्मीद की थी, अगर हम ये बोल दें कि हमें पूरा उसका 100% मिल गया तो थोड़ा ये भी जल्दी होगी, ये अभी प्री मेच्योर होगा कहना कि हमको 100% मिल गया। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये है कि हमारे सफ़र का हमने जितना हिस्सा निर्धारित कर रखा था, हर चीज़ें प्री प्लान थी, उस निर्धारण में हम लोग काफ़ी हद तक आगे चले गए। और फिर बात घूम फिर के वहीं पर हमारे पास आती है कि जो जो हम लोगों ने सोचा था। अच्छा, दूसरा क्या है कि जैसा आपने बताया कि एक अनजान सफ़र है, चीज़ें हमको नहीं मालूम है, तो उसमें हमारे पूर्वानुमान, हमारे पिछले अनुभव, नो डाउट यहाँ पे किस्से कहानियाँ नहीं काम आती हैं, लेकिन हमारे प्रयास जो है विज्ञान ने पिछले 4-5 दशकों में जो हमको एक रास्ता दिखाया है, जो हमको अनुमान दिखाया है, उसके आधार पे हम आगे बढ़े।
अच्छा, अब क्या है कि चंद्रयान टू वाला मिशन, फिर हम वही बात कहेंगे कि अगर कल रात को हमें अपेक्षित परिणाम मिल जाते तो इस समय हम लोग को जिन विषयों पर बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं, हो सकता है हमारे बिंदु बदल गए होते, हमारे विषय बदल गए होते, तो वो एक थोड़ा सा रहस्य, अभी हल्का सा ये रहस्य रह जा रहा है कि क्या है उस सरफेस पे क्या है। तो वो वाला एक हिस्सा जो हमें अब आगे के लिए हमारे पास फ्यूचर स्कोप के रूप में फिर हम यूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए हिम्मत तो हमको हारनी नहीं है, 95% हमने अपना काम कर लिया है, ठीक है। अब वहाँ पे परिस्थितियाँ गई हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तमाम ऐसे मिशन होते हैं कि उसमें जब अगर आपका संपर्क नहीं मिल पा रहा है तो काफ़ी समय बाद संपर्क आ जाता है, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित होती। ऐसा नहीं कि हमारे पास जो विक्रम है रोवर, जिसके बारे में अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं लगभग ना के बराबर, वो जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वो पूरा काम करते हैं, और उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे पास ये ह्यूमन हैंडलिंग नहीं रहती कि हम यहाँ बैठ के ऑपरेट करेंगे, वो उसी के लिए उसके एल्गोरिथम तैयार रहती है और उसी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। वो जहाँ पे है, जिस पोजीशन पे, नो डाउट अभी हमें इस समय संपर्क नहीं है, लेकिन वो पूरा रिवाइव होने के पूरे अपना खुद प्रयत्न कर रहा है और वो पूरी कोशिश कर रहा है किसी तरीके से हम अपना सिग्नल भेज दें और वो सिग्नल जो है हमारे पास विक्रम के थ्रू आएगा। चलिए, इस पूरे मिशन में विज्ञान और वैज्ञानिकों की जो भूमिका रही, उससे बढ़कर हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हो, गार्जियन की तरह खड़े रहे। कल रात में उनका वहां रहना हो या आज सुबह उनका पहुंचना, दोनों महत्वपूर्ण थे। और जिस तरीके से उन्होंने उत्साहवर्धन किया वैज्ञानिकों का, कहा विज्ञान में कोई विफलता नहीं होती, विज्ञान हर कदम आगे बढ़ने का, आप सफलता भी पा जाते हो तो उससे आगे बढ़ते हो, तो आपको हर हमेशा बढ़ते रहना है, हर कदम आपका आगे जाता है। इसलिए जिस तरीके से उन्होंने गार्जियनशिप निभाई, हम सुन लेते हैं कि उन्होंने आज जब इसरो के केंद्र में पहुंचे तो क्या कहा, हम उनका बयान सुन लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, आज भले ही कुछ रुकावटें आई हो, रुकावटें हाथ लगी हो, लेकिन इससे हमारा हौसला कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि और मजबूत हुआ है। आज हमारे रास्ते में भले ही एक आखिरी कदम पर रुकावट आई हो, लेकिन इससे हम अपनी मंजिल के रास्ते से डिगे नहीं है। आज भले ही हम चंद्रमा की सतह पर, आज चंद्रमा को छूने की हमारी इच्छा शक्ति, चंद्रमा को आगोश में लेने की हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प और प्रबल हुआ है और मजबूत हुआ है और दृढ़ हुआ है। मुझसे भी आपके सपने और ऊंचे हैं, मुझसे भी आपके संकल्प और गहरे हैं, मुझसे भी आपका प्रयास सिद्धियों को चूमने का सामर्थ्य रखता है, और इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ आपके हौसलों पर भरोसा करके, दरअसल मैं आपको उपदेश देने नहीं आया, मैंने सुबह सुबह आपके दर्शन, आपसे प्रेरणा पाने के लिए किए हैं। आप अपने आप में प्रेरणा का समंदर है, प्रेरणा का जीता जागता सबूत है, और इसलिए इस प्रेरणा की पल है मेरे लिए, जहां निराशा को वैज्ञानिक मन आशा में परिवर्तित कर देता है, जहां सपनों को वैज्ञानिक मन सिद्धि में अंकुरित कर देता है, और इसलिए ऐसी सामर्थ्यवान, ऊर्जावान, संकल्पवान, सिद्धि के लिए समर्पित इन साथियों की टोली को
अनेक अनेक बधाई भी देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की। बिल्कुल, एक बार चर्चा में फिर वापस आते हैं। बीआर सिंह साहब आपके पास आते हैं, जब जब इस तरह के यान भेजे जाते हैं जो मिशन पर, क्या इनमें प्लानिंग कैसे भरी जाती है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करते रहें, क्या है तकनीक? देखिए, सारी चीज़ें साइंटिफिकली अगर उसको देखा जाए तो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं इसे कंप्यूटर से जी, और हर सेकेंड, ये माइक्रो सेकेंड का उसमें सारी चीज़ें प्रोग्राम रहता है जी, और कोई भी करेक्शन की ज़रूरत होती है तो जैसे डॉक्टर पीके सिंह साहब बता रहे हैं कि ये डिवाइसेस भी हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि वो उस करेक्शन को ऑटोमेटिक मैनोवर करे, उसको करेक्ट करे। तो इसका अगर हम आप कल के ही उसमें देखें, लास्ट फेज को अगर देखते हैं, तो जब हम हार्ड लैंडिंग से ओवर हो रहे थे और सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ मूव किए, तो हमारा लैंडर थोड़ा सा डेविएट किया, थोड़ा सा, लेकिन वो करेक्ट कर दिया गया। तो हम वहाँ मैनोवर, यहाँ इसरो के वैज्ञानिक बैठ कर नहीं कर रहे थे, वो उनके प्रोग्राम और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो जो सारे इंस्ट्रूमेंट सिस्टम है उसने उस पर अपना ये सारा वो करेक्शन किया। अब बाकी चीज़ें आगे की है, जैसा अभी चर्चा में आ रहा है और हम लोग सभी लोग आशावान हैं कि ये कहीं ना कहीं इसके अंदर हमारा रोवर जो है लैंडर के अंदर, अगर इसके कनेक्शन और ये ऑपरेटिव हो जाता तो ये जितना उसका टाइमिंग सेट है उस टाइमिंग से सारे फंक्शन स्टार्ट कर देगा, इसमें कोई कहीं शंका की कोई बात नहीं है। और ये हमारे ये पहलू जो हैं, ये ऐसे छोटे उसके केवल ये दिखाने के लिए नहीं कि हम भी एक पार्ट हैं और चौथे देश हम बनने जा रहे हैं। हमारा मिशन बहुत महत्वपूर्ण मिशन है, जो चीज़ें अभी तक किसी ने नहीं किया उस एरिया को हम ढूंढ रहे हैं जिस पर हमारे और देश आशावान है कि इनसे जो चीजें सूचनाएं मिलती हैं उसके आगे हमें काम करना है। तो ये चीजें देखना है। आपका जो अंतरिक्ष अनुसंधान, उस पर देखिए भरोसा है, भरोसा है, बड़ी बात है। और सबसे बड़ी जो कर रहा है उससे हमको बहुत लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आप भी, आपने प्रधानमंत्री जी ने अपने व्याख्यान में इसरो को किया है और वैज्ञानिकों का, देखिए वैज्ञानिक अपने जीवन को इसमें लगा देता है, उसमें खपा देता है, और उसका सही रूप में देखा जाए तो प्रयोग ही सार्थकता है, उसमें कोई विफलता ही नहीं है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात कही और बड़ी माकूल और सराहनीय बात की, उनके मनोबल किसी का गिरता नहीं, वो आगे बढ़ता रहता, लेकिन एक बैकअप उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, और ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, और एक एक से उन्होंने हाथ मिलाया। तो आज वैज्ञानिकों के जो प्रयास हैं उसकी सफलता में ये स्थिति आज आ चुकी है, जो कि पूरे विश्व उसको देख रहा है। विश्व में अभी किसी ने इसकी निगेटिविटी बात करने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं। जो खुद नहीं कर सका वो हम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और ये आपको बता दें कि ये चंद्रमा, अभी जैसा आपने भी कहा, तमाम चीज़ें ऐसी हैं, ये बहुत जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण वो है कि चंद्रमा हमारे सबसे नज़दीकी ग्रह है। उससे यही नहीं कि उससे एनर्जी और सारी, आप देखें हम तो बचपन में जानते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई जो उस समय तो चिराग पर पढ़ाई होती, चंद्रमा की फुल रोशनी भी तो पढ़ सकते थे। आज का वैज्ञानिक पहलू और वो आप देखें, आने वाले समय में सोलर के लिए हम सोच रहे हैं सेटेलाइट से रिफ्लेक्टर लगाएं, क्या ये नहीं हो सकता कि अगर हम ऐसे उसमें चंद्रमा में इतना चीज़ें जो खनिज हैं उसके रिफ्लेक्शन से इतना प्रकाश होता, क्या उसको और नहीं उजागर कर सकते? कोई ऐसे भी थॉट प्रोसेस संभावनाएं हैं जो कि आगे वाले वैज्ञानिकों के लिए एक सोच का विषय बन सकता है। तो ये देखिए देखिए बीआर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम हमारे लिए संभावनाएं हैं, अनवरत चंद्रमा से हमको बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चंद्रमा से देश को दुनिया को मिल सकती हैं। उनियाल साहब, जल की बात करते हैं कि हमारा वन गया था, तो जल की कैसी संभावनाएं हैं और किस रूप में चंद्रमा में जल मिलने की संभावना आपको दिखती है? अभी तीन तरह की परिकल्पनाएं हैं चंद्रमा पे जो जल मिलने के बारे में हैं जी, तीन तरह की हाइपोथेसिस हैं। एक हाइपोथेसिस तो ये है
कि चंद्रमा पे जो पास्ट में 3 बिलियन साल से भी पहले जब बड़े बड़े कॉमेट्स का इम्पैक्ट हुआ होगा, बम्बार्डमेंट हुआ होगा चंद्रमा की सतह पे, तो उस समय जो कॉमेट्स थे उनके साथ कुछ जल आया जो कि चंद्रमा के कहीं ध्रुवीय इलाके में मिल सकता है। दूसरी संभावना ये है कि चंद्रमा पे जुवेनाइल वाटर हो सकता है पास्ट की जियोलॉजिकल एक्टिविटी से। और जो तीसरी संभावना, जुवेनाइल वाटर मतलब हमारे ये पास्ट में जो कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी है उसके साथ ये कुछ पानी हो सकता है जो ट्रैप्ड हो सकता है ऊपर की सतह में। और जो तीसरी संभावना है वो ये है कि चंद्रमा की सतह पे 40% से अधिक ऑक्सीजन है और चंद्रमा का कोई बहुत स्कैंट एटमॉस्फियर है, बहुत विरल है वातावरण, मैग्नेटोस्फियर कोई इंट्रिंसिक मैग्नेटोस्फियर नहीं है, तो सोलर विंड्स जो हैं वो सीधे टकराते हैं चंद्रमा की सतह पे, और जब वो सीधे टकराते हैं तो जो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स हैं सोलर विंड्स में वो चंद्रमा की सतह पे जो ऑक्सीजन है उससे टकराते हैं, जिसकी वजह से वो हाइड्रोक्सिल बनाते हैं, और फिर अगर एक हाइड्रोजन प्रोटॉन टकराता है तो H2O बन जाएगा। लेकिन इसको जितना हम सीधा समझते हैं परिकल्पना में उतना ये आसान है नहीं, बिकॉज चंद्रमा पे दिन का तापमान 140 से 150 डिग्री हो जाता है, तो इस तरह का अगर कोई पानी बना भी होगा तो वो वॉलेटाइल होकर वाष्पित हो गया होगा, अंतरिक्ष में चला गया होगा। सो यही संभावना है कि अगर इस तरह कुछ पानी बना है, चाहे वो कॉमेट्स के इम्पैक्ट से आया हो, चाहे वो इस तरह से बना हो जहाँ की कुछ हाइड्रोक्सिल्स हों ये सोलर विंड के टकराने से, वो कहीं अगर होगा तो वो माइग्रेट करके जो ध्रुवीय इलाके हैं चंद्रमा के वहाँ चला गया होगा क्रेटर्स में, जो कि परमानेंटली शेडोड हैं, हमेशा छाया में रहते हैं, जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, उसकी वजह से तापमान ज़्यादा नहीं होता, और जो क्रेटर्स हैं ध्रुवीय इलाके में उनकी तलहटी में तो तापमान संभवतः -240 डिग्री तक भी हो जाता है, तो वहाँ वाटर फ्रोजन स्टेट में मिलने की एक संभावना है। बिल्कुल प्रियंका सिंह साहब, जो हमारा अभियान जहाँ तक पहुँचे आने वाला अभियान, चूंकि प्रधानमंत्री ने कहा इस अभियान को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, ये हमारा पहला अभियान नहीं है ना आखिरी, हम इसको अनवरत चलेंगे, तो इस अभियान से अगले अभियान को क्या सहायता मिलेगी, देखिए भारत ने क्या सीखा, कैसे तैयारियां करेगा? जी देखिए, इस जो अभी अभियान में जो हम लोग जहाँ पे मौजूदा हालात में खड़े हैं जी, इसके आगे वाला तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि हम किसी तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग कर जाते, और सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद, जैसा कि आपको मालूम है होगा कि सॉफ्ट लैंडिंग में हमारे पास पूरी प्रक्रिया ये थी कि एक बार जब लैंडर वहाँ पे पहुँच जाता, ठीक है, तो उसके ऐसे प्लानिंग इन्होंने किया हुआ था कि लैंडर कुछ देर बाद खुलता एक स्लोप से, आपका बाकायदा जैसे बच्चे खिलौना खेलते हैं उसी तरीके से रोवर्स उससे बाहर निकलता, एक स्कैनिंग होती है कि जगह माकूल है कि नहीं माकूल है, और अगर वो जगह उपयुक्त ना होती तो वहाँ से थोड़ा सा अपने आप को शिफ्ट कर लेता, पहले होवरिंग करके स्कैन करता है कि हमारे पास ये जगह उतरने लायक है या नहीं उतरने लायक, अगर उतरने लायक होती तो उतरता, नहीं उतरने लायक होती तो दूसरी उपयुक्त जगह के लिए वो प्रोग्राम था। अजय प्रोग्रामिंग जी, सब उसमें जी, ये प्रोग्रामिंग उसमें पहले से थी, और वहाँ से उतरने के बाद लगभग जो है 4 घंटे के आसपास ये जो हमारे पास रोवर्स है जिसका वजन मात्र 27 किलो, आपको कल्पना नहीं कर सकते, मात्र 27 किलो उसका वजन है, मतलब जिससे बाहर निकला है समझ रहे हैं वो लगभग 1417 किलोग्राम का है, लेकिन जो बाहर आपके पास निकला हुआ है वो मात्र 27 किलो का है, तो वहाँ से वो निकलता, और इतना सटीक उसकी प्रोग्रामिंग थी कि निकलने के बाद कुछ देर बाद जैसे ही वो टच करता उसके जो लेग्स हैं वो एक सपोर्टिंग के बाद अंदर जाते और ये अपना काम करना शुरू कर देता, और काम इस तरीके से आप समझ लीजिए कि एक ये 1 सेंटीमीटर की रफ्तार थी केवल मूव करता, और 14 दिन तक ही चलता। ये 14 दिन हमको यहाँ से दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो ल्यूनर डे होता है चंद्रमा के हिसाब से वो हमारे 14 दिन के बराबर होता है, तो वो 14 दिन यानी कि चंद्रमा के 1 दिन के बराबर वो पूरा जब अपना वॉक करता, तो आप कल्पना कर लीजिए उनका 1 दिन यानी कि हमारे 14 दिन के हिसाब से वो डेटा कलेक्ट करता, और वो डेटा कलेक्ट करने के बाद हमको वो चीज़ें भेजता। तो रही बात आपके प्रश्न का कि अब आगे क्या, तो अभी आगे हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि जिसका अभी हमें कोई परिणाम नहीं मिल पा रहा है, जानकारी नहीं मिल पा रही है, इसको हम कैसे आगे करें और कैसे हम इस चीज़ को फिर से उस पर काम करें, क्योंकि जहाँ तक ये वाली स्टेज है, ये वाली स्टेज हम लोग जो है थोड़ी बहुत कम टेक्नोलॉजी के साथ जो 2009 में अचीव कर चुके हैं। अब आगे वाला ये जो काम होने जा रहा था, जो उसकी स्क्रॉलिंग होती, वहाँ से डेटा इकट्ठा करता, डेटा इकट्ठा करने के बाद बताता, तो वो जो तथ्य हमारे पास आते वो बहुत ही चमत्कारिक थे, और रहस्यमयी जो चीज़ें रहस्य में थी उससे वो पर्दा उठाते। जैसे अभी आपने बताया ना कि उसमें कि क्या चीज़ें ऐसे रहस्य में आ गई, तो चंद्रमा का अभी तक उपयोग हम खाली जो इसमें कह देते हैं कि सुंदरता के लिए हमने उसका अलंकरण कर दिया या हमने कविता शायरी में कर दी, बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिससे पर्दा उठ जाता अगर ये हमारे पास ये बात आती। तो हमारा अगला कदम फिलहाल अभी यही है।
कि हम कैसे उसकी सरफेस से जाके एक्सट्रैक्ट करें, क्योंकि सफल रास्ता तो हमने आसान रास्ता तो चुना ही नहीं। जिस दिन हम लोगों ने निर्धारित किया कि हम साउथ पोल पे जा रहे हैं, दक्षिण ध्रुव पर है, हमने तय कर दिया है कि हमारा रास्ता जो है वो आसान नहीं है, और ना ऐसा रास्ता है कि कोई ट्रेडिशनल के लोग चल चुके हैं, हम भी जाके इस पे चल जाएं। सफलता हमें नया रास्ता बना। जी जी, सफलता हमें मिली, अच्छी बात है, हम उसके और पास पहुंच गए, ये भी अच्छी बात है। तो बस आप ये समझ लीजिए कि दरवाजे पर पहुंच गए हैं, नॉक कर दिया है, दरवाजा खुलना बाकी रह गया है। दरवाजा खुलेगा ही, दरवाजा जरूर खुलेगा। कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों के पुरुषार्थ, कर्मठता और लगन को पूरा देश नमन कर रहा है, और उन्होंने दूसरी बात कही कि वैज्ञानिकों के जो प्रयास है वो सफलता और असफलता के दायरे से आगे है। बीआर सिंह साहब, क्या प्रधानमंत्री की जो भाषा है वो क्या संदेश दे रही है? नहीं, ये तो बहुत ही ऐसा संदेश दे रहे हैं कि वैज्ञानिक जो हैं वो अपनी उत्सुकता जितनी है उससे और आगे बढ़ने की उनको प्रेरणा मिली है, और उनको देखिए वो वैज्ञानिक जब अपने कार्य में लग जाता है ना, तो उसका एक ही उद्देश्य रहता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो जीरो एरर से आगे बढ़े। इसमें कहीं भी जरा सा भी चांस, देखिए जो अभी स्टेज आई है, स्टेलमेंट हुआ है, वो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन आप उसका, और केवल ये नहीं कि इनके कारण हुआ है, ये वहाँ के ध्रुवीय जो कारण और बन सकते हैं जिस पर अभी हम लोग कोई चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं, ना उस पर कोई प्रकाश डाला जा सकता है, वहाँ भी क्वेक अर्थ क्वेक के भी तमाम ऐसी संभावनाएं हैं जो कि पहले इस पर विचार किया जा चुका है, और नासा और देशों ने इस पर विचार कर रखा है कि ये भी संभावनाएं वहाँ बहुत हैं, ये हलचलें वहाँ हुआ करती हैं। तो ये सब चीज़ों को भी हमें अगले प्रयास में कोशिश करना पड़ेगा कि इस पर भी अगर ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं तो हमारे वैज्ञानिक उस पर सुदृढ़ रूप देंगे, और ये चीज़ों को हमें उससे आगे किस तरीके से निकलना है इस पर। और आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने वैज्ञानिकों के साथ रात से और सुबह भी उन्होंने विशेष करके हमारे वैज्ञानिकों को संदेश दिया है, वो संदेश केवल इसरो के वैज्ञानिकों तक ही नहीं सीमित है, सारे वैज्ञानिकों, देश के वैज्ञानिकों को आगे बढ़ें, वो सब पीछे हम लोग लगे हैं, और उनका देखिए पूरा नमन उन्होंने किया इस तरीके से कि विज्ञान तो प्रयोग है, प्रयोग कभी असफलता होती नहीं, वो तो उससे आगे देके जाता है, उससे सफल अगर उसको उस पॉजिटिविटी के साथ देखें तो कुछ न कुछ दे के गया है, और उसके आगे क्या करना उस पर प्रयास करो, उससे आगे चरण, उसको आगे का चरण आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। चंद्रमा की बात हम कर रहे हैं लगातार, अगर चंद्रमा ना होता तो पृथ्वी कैसी होती? The gravitational pull of moon has reduced the wobbling of earth and which in turn has kept the climate of earth unchanged for billions and billions of years, that has made it possible the evolution of life on earth. चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण ने पृथ्वी जो घूमती है उसके ढुलमुल तरीके से चलने को कम किया है, और पृथ्वी स्टेडीली चल पाई है, इसकी वजह से पृथ्वी की वॉबलिंग कम हुई है, और ढुलमुल गति कम होने से, ढुलमुल तरीके से चलना कम होने से पृथ्वी का, इससे पृथ्वी पे जो जलवायु परिवर्तन है वो नहीं हुआ बिलियंस ऑफ ईयर्स से, कई अरबों साल से, और जलवायु लगभग लगभग एक जैसी रही है, बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, और इस कारण ही पृथ्वी पे जीवन संभव हो पाया है। अगर चंद्रमा ना होता तो पृथ्वी की ज़्यादा वॉबलिंग होती, अपनी कक्षा में घूमते हुए ज़्यादा ढुलमुल होकर पृथ्वी चलती, जिससे जलवायु परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी होता और पृथ्वी पे जीवन का उद्विकास नहीं हो पाता, या इस तरह की इवॉल्व लाइफ फॉर्म जैसी आज मानव जैसी है वो शायद नहीं हो पाती। बिल्कुल, प्रकृति ने एक एक चीज तय करके बनाई है कि चंद्रमा पृथ्वी के करीब क्यों रहेगा और उससे पृथ्वी को क्या फायदा होगा, मानव जाति अगर है तो उसके क्या फायदे उसको मिल रहे हैं, तो जो नेचर ने बनाया, हालांकि हम नेचर को तोड़े ना, बहुत बार ऐसी स्थिति आती है, प्रकृति ने एक एक चीज तय की है हमारे लिए कि हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, क्या क्या सहयोग कौन कौन करेगा, ये पूरा प्रकृति ने तय करके रखा है। पीके सिंह साहब, प्रधानमंत्री की चर्चा हमने शुरू की है, उन्होंने कहा कि चंद्रमा की सतह पर हम अपनी योजना से नहीं उतर पाए होंगे, पर चंद्रमा को छूने और आगोश में लेने की प्रतिबद्धता हमारी और गहरी हुई है। जी देखिए,
प्रधानमंत्री जी ने जैसा कि अभी देखा कि कल रात में लगभग 1 बजे पहुंच गए, लगभग पूरी रात रहे, सुबह फिर जल्दी ही आ गए थे उनकी करने, कि उन्होंने जो बातें कही उसमें आप विज्ञान को किनारे रख लीजिए और उनकी जो बात आई वो दिल से आई, उसको हम आज एक राजनेता के तरीके से उसको थोड़ी देर के लिए ना लें तो बहुत सही बात है, क्योंकि जिस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, अटल जी की एक लाइन आपको भी याद है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, तो अगर मान लीजिए कहीं भी हमारे मन के अंदर, हमारे वैज्ञानिकों के मन के अंदर थोड़ा सा भी ये आ जाए कि हम जो चाहते थे उससे कुछ कम मिला, तो ये भावना आना जो है वो हमारी सफलता है। हम कहाँ पहुँचे, कहाँ नहीं पहुँचे, किससे हमारा लिंक टूट गया, कौन हमको सिग्नल भेज रहा है, नहीं भेज रहा है, हम दोबारा फिर उस स्थिति से पहुँच जाएंगे। लेकिन जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने अपना पूरा समय दिया, आप अगर देखें तो अंदाजा लगाएंगे कि पूरा उसको बारीकी से देख रहे थे, तो उनका सिर्फ निसंदेह कि वहाँ पे जो वैज्ञानिक गतिविधियाँ हो रही थी उसके पीछे तर्क क्या है, वो निसंदेह उससे वाकिफ नहीं थे, लेकिन उन्होंने साथ खड़े रहकर ये कह दिया हम आपके साथ हैं, हम आपके प्रयत्नों के साथ हैं, आपका परिणाम कैसे आ रहा है उससे हम कतई विचलित नहीं होंगे। और शायद इन्हीं तथ्यों के बाद से ही आपने देखना शुरू किया है कि हमारे पास जो है लगातार जो है वो पॉजिटिव धनात्मक स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए, चाहे इसरो चीफ के हों, चाहे US एजेंसीज के स्पोक्समैन के हों, तो जो हमारा जो अंतर्बल है, आत्मविश्वास है, उसको प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही बढ़ाने काम किया, हमारे साथ खड़े रहे। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि देश का जो एक प्रीमियर है वो हम लोग के साथ इतना खड़ा हुआ है, और होपफुली हम आपको बताएं कि जितना समय चंद्रयान वन से चंद्रयान टू में लगा, जितने लगा, अब हमारे पास उतना समय लगने जा रहा है, हमारे पास सारी चीजें हैं, जी सारी लगने जा रही है। अब होता क्या है कि मान लीजिए हमने 1000 संभावनाएं जो है वो एल्गोरिथम में डाल दी, उसका एल्गोरिथम मतलब जो उसका प्लान कि अगर ये होगा तो ये होगा, जैसे हम आप कंप्यूटर के साथ चेस खेलते हैं, तो हम एक चाल चलते हैं तो 20 चाल सोच के रखे रहता है, तो ऐसी 1000 संभावनाएं उन्होंने डाल दी। अगर कल रात वाला प्रोग्राम आप लोगों ने देखा होगा, आप निसंदेह देखा होगा, तो आखिरी के समय क्या हुआ था कि जब वो चंद्रमा की सरफेस से लगभग 8-10 किलोमीटर के आसपास रह गया था, यानी कि 2.1 से कुछ ऊपर रह गया था, तो अचानक उसकी जो ट्रेजेक्ट्री थी उसमें देखा था आपने एक ग्रीन लाइन थी जी। उस ग्रीन लाइन से डिबेट हुआ, तो ग्रीन लाइन ये थी कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार जाता तो उसका जो ट्रेजेक्ट्री था, उड्डयन था, वो उसी ग्रीन लाइन पे होता, और ग्रीन लाइन से जो स्लाइड डिविएशन हुआ था आपने देखा, उसी के बाद वैज्ञानिकों के चेहरे थोड़ा सा वो बुझ से गए, वो जो डिविएशन था उसी डिविएशन से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है हमारे पास जो रोवर्स है वो जिस जगह जाके उसको स्कैनिंग वगैरह शुरू करनी थी उस छोटे से डिविएशन से वो अपनी निर्धारित जगह से काफी दूर निकल गया होगा, और हो सकता है उसके सामने ऐसा एक एलियन माहौल आ गया हो जिसके लिए वो ट्रेंड या प्रोग्राम ना हुआ हो, जिसकी कल्पना जो है वो ना उन्होंने सोच रखी होगी। ये सिर्फ एक कयास मात्र है, ये सिर्फ एक कयास मात्र, हाँ ये कयास मात्र है, लेकिन कोई ना कोई कारण होगा। तो प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही बात है, हम सब उनके आभारी हैं, पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी उनकी आभारी है, वो दिल खोल के उनका समर्थन करते हैं, और जो भी चीजें रह गई हैं वो होपफुली आने वाले समय में हम लोग उसको जरूर कवर कर लेंगे। यार सिंह जी, वैज्ञानिकों को बहुत उत्साहवर्धन किया प्रधानमंत्री ने, कहा कि समस्याएं आई होंगी पर अभी बेहतर रहना अभी बाकी है, जी बिल्कुल, और कहा कि ये वो लोग हैं जो मक्खन पर नहीं जी जी पत्थर पर लगते हैं। क्या आप उम्मीद क्या है वैज्ञानिकों से? नहीं, हम तो हमारे वैज्ञानिक जो हैं, भारत के वैज्ञानिक यहाँ इसरो में परचम लहरा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं पूरा नासा ही हमारा, एक तिहाई तो भारतवर्ष के हैं, तो उन्होंने तो लकीर पूरे विश्व में वैसे ही पत्थर पर खींच रखी है, कोई ये अपने को अछूता कह ही नहीं सकता कि भारतीय वैज्ञानिक जो हैं वो तो दुनिया के सर्वोपरि है, और उन्होंने ही सारी इस तरीके की कठिनाइयों और इस तरीके के उसके जो भी कयास होते हैं उस पर वो आगे बढ़ चढ़ करके उसको प्रयासरत होते हैं और उसको दूर करते हैं और आगे की संभावनाओं पर वो खड़े उतरते हैं, और आगे चलने के लिए बहुत ही हमारे वैज्ञानिक अभी इन सब चीज़ों से जो अभी डॉक्टर पीके सिंह ने बताया कि आगे चल करके ये आगे एक कड़ी बनेगी, और ये कड़ी मजबूत कड़ी होगी, जो कि हम पहले भी कह चुके हैं कि दूसरे देश प्रयास नहीं किए और हम आगे अपना एक रास्ता बनाते चले जा रहे हैं, और उस रास्ते को फॉलोअर के रूप में दूसरे देश दूसरे देश काम करेंगे। तो इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत उत्साहवर्धक पूरे विश्व भारतवर्ष के वैज्ञानिकों के लिए बहुत। नेहल साहब, उन्होंने कहा कि आपने
कई रातें नींद नहीं आई होगी आपको, आपने इस पर काम किया है, बच्चे की तरह पाल पोस कर ले जाता है और एक पूरा जीवन लग जाता है किसी वैज्ञानिक का, और उस समय प्रधानमंत्री आपके साथ खड़े हो, कैसा महसूस करते हैं वैज्ञानिक? बहुत अपबीट महसूस करते हैं, बहुत उत्साहवर्धन होता है और ऐसा लगता है कि नई ऊंचाइयों को फिर से छुएगा हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम। अगर मैं कविता की दो पंक्तियों में आपको ये सुनाना चाहूँ कि हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम ने हमारे पृथ्वी के संसाधनों को खोजने के लिए क्या क्या दिया है, तो वो यही है कि मानव निर्मित उपग्रह हो या हो अंतरिक्ष यान, वायुयान हो या ड्रोन हो या भौम या गतिशील लिडार, ये सभी देते धरती का ज्ञान विज्ञान और विस्तार, आत्मसात कर सकें यदि हम ये देते ज्ञान का भंडार। नगर हो या गाँव हो, नगर हो या गांव हो या खनन से धरती पर बने घाव हो, खेत हो या खलिहान हो या घास के मैदान हो, तालाब नदी या पोखर, या हो वन या वन्य धरोहर, भू धसाव हो जल भराव हो या धरती का कटाव हो, खेती हरहाव हो या उसर हो, दलदल हो या बंजर हो, हर प्रकार की धरती के चित्र हमें मिल जाते हैं। उपग्रहीय चित्र, वायवीय चित्र पॉइंट क्लाउड कहलाते हैं। कंप्यूटर तकनीकों से विश्लेषित किए जाते ये चित्र अल्प समय में इन चित्रों से बन जाते हैं मानचित्र। तो पृथ्वी की इतनी जानकारी हमारे अंतरिक्ष अभियानों ने दी है और जो मैंने इतने संसाधन हमारे देश के बताए इनकी जानकारी दी है। सन 88 से जब से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स पृथ्वी के हैं, अब चंद्रमा की जानकारी जो है चंद्रयान हमें देगा, ऑर्बिटर हमारा है और आने वाले जो मिशन होंगे चंद्रमा के वो और अच्छी जानकारी हमको देंगे, ऐसी हमें उम्मीद है, विश्वास। हमारे जीवन के लिए, पूरे मानव सभ्यता के लिए उतना ही जरूरी है जितना बाकी सारी चीजें। विज्ञान से हम डे बाई डे आगे बढ़ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, कैसे मानव सभ्यता आगे बढ़े, कैसे मानव जीवन सरल हो, इस पर भी हम काम करते रहे। पीके सिंह साहब, अभी हम प्रधानमंत्री के ही इर्द गिर्द हैं, वहीं से शुरू कर रहे हैं कि हर कठिनाई हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। विज्ञान में विफलता नहीं, हर प्रयोग कुछ ना कुछ देकर जाता है। चंद्रयान 2 का जो सफर था वो शानदार रहा है। परिणामों की चिंता मत करिए, आप आगे बढ़िए। जी, सफर शानदार रहा है और बहुत ही दमखम के साथ इसकी शुरुआत हुई थी और उसका जैसे ही बताते हैं कि जैसा ही आगाज रहा लगभग उतना ही शानदार उसका अंजाम भी रहा। छोटी मोटी चीज़ें अगर आप इसको निकाल दिया जाए। और रही बात इसकी कि अब आगे क्या, तो आगे का हम फिर बता रहे हैं, आगे का हमारा जो मार्ग है वो बहुत ही अच्छा है और ये समझिए कि हमारे पास जो योजनाएं हैं आने वाले समय में, 2, 4, 10, 20, 100, 50 साल नहीं, आज से अगर हम 500, 600 साल की बात करें तो एक ऐसा अंदेशा है कि हो सकता है कि सूरज की गर्मी बढ़ रही है, तेज़ी से पृथ्वी की तरफ आ रहा है, हो सकता है ऐसा अंदेशा है कि एक दिन पृथ्वी को निगल भी ले। वो स्थिति आने से पहले हम अपने लिए कोई एक सेफ लैंड, सेफ जगह तलाश लें, तो हमारी वो तलाश भी चंद्रमा पे ख़त्म हो रही है जाके। क्यों? क्योंकि जैसा कि अभी बताया गया कि वहाँ पे हमारे पास पानी की संभावना है, तो अगर पानी की संभावना है कहीं हवा भी ढूंढ लेंगे तो नया आसियाना हम लोग बना लेंगे वहाँ पर। तो हमारा जो ये फ्यूचर प्लान है वो 10, 20, 100, 50 साल का नहीं है, ये सैकड़ों और हजारों सालों का है। बिल्कुल, इस गति को अनवरत चलते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अमरत्व की संतान है और इसमें न रुकावट है न निराशा है, किसी सदी भारत के सपनों को पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता है। उन्होंने आप पर भरोसा जताया, विज्ञान पर, बाकी लोगों पर भी। नहीं, देखिए प्रधानमंत्री जी में एक पॉजिटिविटी जो है वो कभी भी असफलता की बात तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा कि प्रयास से हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और कदम आगे बढ़ना जो है वो हमारा एक सार्थकता की तरफ है, क्योंकि उसमें तो उन्होंने जो एक माकूल बैकिंग दी है और आपने देखा भी होगा कि हमारे के चेयरमैन जो थे, अध्यक्ष, अब उनको तो उन्होंने एकदम से गले लगा लिया कि भाई आपने इतना महत्वपूर्ण कार्य इतने दिनों से प्रयास है, ये छोटी बातें ये जो हैं वो ये कितना बड़ा उनका उनके साथ जुड़ाव दिखाता है और कितना संबल उनको देता है कि भाई वैज्ञानिकों को कि देखिए हम आपके बैकिंग में हैं और ये बहुत बड़ी बात है प्रधान। बिल्कुल, ये विज्ञान की बात थी, हालांकि विज्ञान के छात्र हम कभी नहीं रहे और विज्ञान हमारी समझ से परे है, लेकिन जो 2-3 दिनों में हमने चंद्रयान को देखा और जिस तरीके से प्रधानमंत्री को वहाँ जाना, एक राजनीतिक शख्सियत जितने वैज्ञानिकों के पीछे खड़ी हुई, हम 2 लाइनों से इसको समाप्त देंगे कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं,
पांवों को नीचे अंगारे और सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम बढ़ाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये अटल जी की पंक्तियां हैं और हमें लगता है कि पूरा देश, वैज्ञानिक और जो भी लोग हैं, एक साथ मिलेंगे और इस तरीके की तमाम संभावनाओं पर विजय प्राप्त करेंगे। इसी के साथ इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। नमस्कार।